So, hello guys, welcome back to my channel. This is Argo, hope you are good and I'm good too. So guys, मैं आ चुका एक और नए exciting prank के साथ, जो कि होने वाला है मेरी ही दोस्त पे। नहीं, मैं नहीं मानता। जिसने परसों मेरे साथ एक बहुत गंदा prank करा था, तो मैंने उसको रात ही बोल दिया था कि बेटा तू तो गई, अब तेरे साथ एक ऐसा prank करूंगा ना कि तू झेल नहीं पाएगी, और इस prank में उसकी आत्मा बाहर आ जाने वाली है, क्योंकि वो बंदी बहुत ही ज्यादा डरती है। मतलब डरने का तो उसको कोई वो ही नहीं है, जवाब जिसे कहते ना, जवाब नहीं होता तारीफों में, तो डरने में उसकी तारीफें कम नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा डरती है। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं उस पर कौन सा प्रैंक करने वाला हूँ, तो नहीं, मैं उस पर करने वाला हूँ गोस्ट प्रैंक। अभी सबसे पहले मुझे बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग गए हैं ब्रेकफास्ट करने। अभी मैं उसके रूम में आ चुका हूँ, नीचे से एक चुपके से कार्ड बनवा के, क्योंकि हमारा तीनों मतलब रूम है, तो हमें कार्ड मिल जाते, कोई सुनी है बहुत तेज हो रहा है। तो मैं नीचे से एक कार्ड बनवा के आ चुका हूँ उसके रूम का, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ कैसे कैसे कैमरे सेट करने वाला हूँ, और जब वो आएगी तो उसकी आत्मा कैसे निकालने वाले हम लोग। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो, और करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और देखते हैं क्या वो डरती है। तो गाइस, वो बंदी कल शूट कर रही थी, तो मैंने उसी के कैमरे से उसी पे प्रैंक करूंगा, जैसे उसने मेरे पे करा ना, बिल्कुल वैसे नहीं, थोड़ा अलग करूंगा, और उन्हें पहचान जाएगी, ये शायद ना भी पहचान है, क्योंकि उसको इतनी चीजें ध्यान नहीं रहती। तो अभी मैं ये यहाँ पे रख दूंगा, इससे मतलब पूरा बेड का व्यू आ जाएगा, कैमरा मतलब जब से हम लोग आए ट्रिप पे, जब से यहीं पे रखा है, मतलब इसी टेबल पे, तो कोई इशू नहीं है, इसको शक नहीं जाएगा, तो इसको यहीं रखा रहने देता हूँ। अभी एक और फोन मैं सेट करने वाला हूँ, तो मैं ये वाला फोन करने वाला हूँ इधर पे सेट, तो अभी मैं रख देता हूँ। मैंने आपको समझा तो दिया कैसे कैसे सेट करूंगा, अगर मैं ज्यादा वैसे करूंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, और मैंने बाकी लोगों को बोल दिया कि कोई भी इसके रूम में साथ मत आना, इसको अकेले आने देना, तो अब सब उसको अकेले आने देंगे, और बस वेट करता हूँ उसके आने का। मैं फटाफट छुप जाता हूँ, मैं वॉशरूम में छुप जाता हूँ चुपचाप। एक फोन मैंने यहाँ सेट कर दिया, कैमरा मैंने यहाँ सेट कर दिया, एंड दिस इज माय कैम। तो अभी चलते हैं हम लोग अंदर वॉशरूम में, छुप मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है, छुपने और वेट करते हैं उसके आने का। और मैंने विग लाया हूँ और कंबल लाया हूँ, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, जिससे मैं करने वाला हूँ प्रैंक, ब्रो कैन यू बिलीव। अब दिखाता हूँ आपको, ये वाली विग है जिसको मैं पहन के उसको प्रैंक करूंगा। तो चलो गाइस, मैं रेडी हो जाता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, मैं ये वाला कंबल क्विट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि व्हाइट वाला कंबल ज्यादा कारीगर होगा, तो ये ले लेता हूँ रूम वाला, और अब इसको लेकर चलता हूँ। तो उस पल का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं ऐसे कंबल ओढ़ के व्हाइट उसके सामने आऊंगा, भाई उसके दम निकल जाएंगे, आत्मा प्राण सूख जाएगी उसकी। तो गाइस, मैं वेट कर रहा हूँ उस बंदी के आने का, और कैसा सा लग रहा है यार, तो मैं वेट कर रहा हूँ उस बंदी के आने का, और देखते हैं कि कैसे रिएक्शन आने वाले और क्या होने वाला है। भाई सोच के ही हो रहा है मेरे को, आ गई दोस्तों, आ गई, अब अंदर आ चुकी है। अब मैं अपना काम चालू करता हूँ, पता नहीं क्या कर रही होगी बाहर, अपना काम चालू करता हूँ एक मिनट को। तो गाइस, अभी वो आ चुकी है अंदर, और भाई अभी देखते हैं कि क्या करना है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे सामान वाले लाना चालू कर दूँ, जिससे कि क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा ये होगा कि भाई ये सामान वहाँ से कहाँ से आ रही है मैं रूम में, तो वही लाना चालू करते हैं। लगता है ये पागल हो गया। तुम हो? बोलो। मैं तो डर गई। मैंने यहाँ दूसरा फालतू में, जो भी है बहुत ही गंदा हो रहा है। तो गाइस, मैं छोटा सा रिस्क और लेने जा रहा हूँ, लाइट पकाने वाला उसके रूम की। ये भगवान क्या जुलुम है, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। यार कौन है यार, मुझे पता है इन सब चीजों से डर लगता है, पर छाई दिख रही किसी की।
मैंने सोचा इसको ज्यादा नहीं रुलाते हैं, मैं सीधा अपनी बीक और कंबल पहन के जा रहा हूँ बाहर इसके पास, और मैं ये वाले कैम को कर रहा हूँ बाहर बाइक, क्योंकि मैं सीधा आपको बाहर वाले कैम के रास्ते दूंगा तभी चलता हूँ। ओह भाई ये क्या है, ये प्रैंक हो गया आपके पास। अबे सुन, अबे मैं था, हेलो बकवास बंद। अबे सुन, अबे मैं रिवेंज ले रहा था, तूने मेरे प्रैंक करा था, मैंने तेरे प्रैंक कर दिया, क्या हो गया? अरे बाप रे, अरे सुन तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अबे प्रैंक था यार, ऐसे होता प्रैंक, परसों ऐसा होता था प्रैंक, परसों भी प्रैंक करा ना, पता नहीं मैं डर जाती उससे तो, और कोई प्रैंक नहीं मिला तुम्हें बेवकूफ, देर से मुझे डर लग रहा था ना, मेरे पास फोन है ना यहाँ पर, किसी से को कॉल जा रही इस टाइम, मेरे ऊपर मत बोलो यार, उतनी देर से मुझे तुम्हारी तबीयत की फिक्र हो रही थी, ऊपर से ना तुम अपने बॉयफ्रेंड का नंबर दी थी। सुन देख, मैंने तेरा प्रैंक समझा था, मैं चुपचाप बैठा था ना, मेरी हालत खराब हो रही थी अभी यार, सॉरी यार, मुझे पता है तुम दिखते रहे रोने से तबीयत खराब होती है, मैं इसीलिए बाहर आ गया, मैंने अभी तो मैं और कैच था इसको, पर तू रोने लगे तो मैंने सोचा खत्म कर देते भाई, क्यों ही ऐसे चीजें बढ़ानी है, रुको जरा सबर करो। मैंने तकिया नहीं मारी, देख रहे लड़कियों का यही हाल, लड़कियां मारे तो कोई दिक्कत नहीं, लड़के मारे तो बवाल हो जाता है उन बातों को, हाय ब्रो व्हाट्स अप, मार रे साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का, बहुत गंदा प्रैंक है, देखो यार इसका तो प्रैंक अच्छे क्यों होते हैं, प्रैंक तो भद्दे ही होते हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा चलो इधर और उधर बोल दो हाय, प्रैंक हो गया। इसके कैमरे से इस पे ही प्रैंक कर दिया, ओह माय गुडनेस, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब पागल हो गई है, देख लो भाई अब लड़के हैं ना हमारे साथ ऐसा ही होता है, क्रैक हो गई, अरे सुन जा तो गाइस ये तो शायद ज्यादा ही नखरे में आ चुकी है नखरी थी, यही था मेरा प्रैंक, और आप बताओ आप लोगों को प्रैंक कैसा लगा, मेरे को तो लगा था भाई ये रो देगी, और गेट क्यों नहीं खुला तुझसे भाई, क्योंकि गेट की तो चाल लगी हुई थी, और होपलेस में इसको होश ही नहीं था कि गेट खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो गाइस चलो इसको पड़े रहने देते हैं, मुंह बनाए, इसने भी मेरे पर प्रैंक करा था तो मैंने भी सूख पर कर दिया, तो रिवेंज प्रैंक करना इज नॉट अ बैड थिंग, आप लोग बताओ कि आप लोगों को इस प्रैंक को मजा आया नहीं आया, आप लोगों को ऐसी और वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, सो गाइस यही था आज की हमारी वीडियो में, इफ यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।